हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम जाएंगे सांगला मार्केट और पहले मेमोरी कार्ड ढूंढेंगे ताकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मुझे मेमोरी कार्ड मिल गया है मार्केट में। सांगला मार्केट पहुंच गए हम लोग। अब मेमोरी कार्ड ढूंढेंगे यहाँ पे। पहले कहाँ पे जाऊँ? इस वाले में पूछ। इसमें इस बंदे के पास। ओके, मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड है किस चीज़ का? इसी के लिए चाहिए मुझे। क्लास टेन से ऊपर जो भी हो। क्लास टेन से नीचे तो पता नहीं, जो भी है 16 GB का। इस समय थोड़ा माल खत्म। 16 GB जो भी चलेगा उसमें लिखा होगा ना क्लास का, एक बार दिखा दीजिए। बिना क्लास के तो इसमें चलेगा नहीं। एक शॉप पे तो नहीं मिला, फिर मुझे कैमरा से मेमोरी कार्ड बाहर निकालना पड़ा ताकि मैं उनको बता सकूं। भाई क्लास टेन ये होता है, यहाँ पे समझ नहीं रहे थे कि क्लास टेन मेमोरी कार्ड चाहिए, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। मार्केट में हम मोमोज वगैरह खाने गए थे और बारिश हो गई बाहर आए तो बहुत टेस्टी था। विवेक को पता था कि सांगला मार्केट में सबसे अच्छा कौन खिलाता है, तो हम वहाँ गए थे। सांगला में ट्राउट बड़ा फेमस है, ट्राउट फार्मिंग होता है, वहाँ जाएंगे। होपफुली मिल जाए ट्राउट, अभी नहीं मिला तो फिर अलग बात है, वह जाके देखेंगे। लेकिन बारिश है तो हल्के हल्के भीग तो गए, बट अभी फ़िलहाल तो ठीक है। ट्राउट मार्केट तो वहाँ तो क्या पैदल जाना पड़ता है? यहाँ पार्थ रिवर जाएंगे, फिर वहाँ से रिवर में पानी ज़्यादा तो क्रॉस नहीं होगा, पैदल जाना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। वैसे तो रोड है पर बीच में एक नाला क्रॉस करने का था, तो हमें लगा शायद वो क्रॉस ना हो इस वक्त। विवेक भाई वेजिटेरियन है तो वो नहीं खाते, तो बट इनके फादर साहब ने मुझे बोला कि भाई सांगला आया है तो ट्राउट ज़रूर ट्राई करियो, कोशिश करियो। अब ये गवर्नमेंट वाले से ले ले, अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पे प्राइवेट बंदे भी हैं बोला है ना, तो दो बंदे हैं जो ट्राउट फार्मिंग करते हैं प्राइवेट अपना। तो अगर पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ से लें, अगर यहाँ नहीं मिला तो प्राइवेट बंदे के पास भी जाने की कोशिश करेंगे हम। उनके पास चांसेस ये है कि वहाँ पे अभी नए लगाए हैं तो वो छोटे होंगे। अच्छा, तो इनके पास जो अच्छा वो नए, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया तो शायद उनके पास ट्राउट इतने अच्छा ना हो या छोटे हों अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सेम मिलने को तो सेम मिलेगा, बट अभी छोटे होंगे वो। अच्छा, होंगे तो सेम ही होंगे। ठीक, तो होपफुली मिल जाए। वैसे बनाने नहीं आता मुझे ट्राउट, फिश का ज़्यादा बहुत फ़ैन भी नहीं हूँ मैं मटन का फ़ैन हूँ, पहाड़ी मटन का फ़ैन हूँ मैं, और मुझे मटन बनाना भी आता है, लेकिन ट्राउट मैंने कभी बनाया भी नहीं है। बट चलो आए हैं तो ट्राई करेंगे, क्यों, विवेक भाई तो बनाएंगे नहीं तो मुझे ही बनाना पड़ेगा अपने लिए। फिशरीज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, ट्राउट फार्म सांगला। सब पहुँच गए, अब हम यहाँ देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ आए तो हमें यहाँ जो आते साहब थे उन्होंने बोला कि भाई छोटे नहीं है, अब वो बोल रहे कि 2.5 किलो का एक मछली है। तो वो खाने का, मैं अकेला बंदा, कोई खाता है नहीं यहाँ पे, है ना, तो 2.5 किलो खरीद के करूँगा क्या मैं? मैं तो सिर्फ ट्राई करना चाहता था। मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं फ़ैन नहीं हूँ फिश का इतना, और मुझे बनाना भी नहीं आता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई छोटा मिल जाए। तो आप पता कर रहे हैं, जो प्राइवेट वाला बंदा है उससे पता करवा रहे हैं अगर उसका छोटा है, क्योंकि यहीं से ले जाते हैं वो, तो टेस्ट तो सेम ही होगा, तो वो प्राइवेट करता है बंदा तो उससे लेंगे। लेकिन अभी यहाँ वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे हम। तो ये है ट्राउट का फूड, और इस वाले टैंकी में ट्राउट्स दिख रहे हैं मुझे। इसमें ट्राउट्स ही ट्राउट्स हैं अगर दिख रहे हैं तो। तो ट्राउट फार्म तो देख लिया हमने, और अभी प्रधान जी का लौंडा लगा हुआ है कि बाहर से मिल जाए कहीं, फोन कर रहा है बंदा। ठीक है, थैंक यू, ओके, मिलेगा अभी। ओके, विवेक ने फ़ोन किया था अभी तो वहाँ पे मिल जाएगा हमें छोटा ट्राउट। चलते हैं फिर विवेक के मामा जी के पास, वहाँ से ट्राउट उठाएंगे। ये है बंदे का प्राइवेट फार्म, अब यहाँ मिलेगा हमें ट्राउट। हेलो
विवेक के मामा जी के पास मिल गया जी आधा किलो का ट्राउट, तो हम खाएंगे उसको बना के। अब पता नहीं कैसे बनाऊंगा भाई, अभी तो यही टेंशन है कि बनाते कैसे हैं, काटते कैसे हैं, साफ कैसे करते हैं इसको। YouTube जिंदाबाद। बहुत दौड़ाया ट्राउट ने, क्योंकि जो गवर्नमेंट का ट्राउट फार्म था वो दूर था, उसके बाद विवेक के मामा जी का वो और भी दूर था भाई साहब। पर ये है कि सांगला में ट्राउट ही ट्राउट है। बीच में तो एक छोटी सी छोटा सा नाला था, उसमें ट्राउट थे ऐसी। फिर ये कहता पर वहाँ से नहीं उठाते, क्योंकि वो पवित्र जगह है, तो वहाँ से ट्राउट नहीं उठाते, नागस बोलते हैं हम लोग, नागस्ती है वो, तो वहाँ से नहीं उठाते करके। अभी हम विवेक के शेनंग में हैं, तो यहाँ पे मछली काटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक ही छुरी था और वो भी बहुत तेज़ नहीं था। फिर घर पे होते तो ऑप्शंस होने थे, छुरियाँ होनी थी। फिर कर रहे हैं आप जुगाड़ जो भी है अवेलेबल हमारे पास। तो आधे घंटे में मैं फिश के स्किन को रिमूव कर पाया हूँ, एक दो पीसेस में बांट पाया हूँ, फिर भी बहुत फाइन चॉप नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है फिश काटना। लेकिन आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद दिस हेड, तो मैं इसको रहने दूंगा, तो आज मैं यही बनाऊंगा। तो अब मैंने छोटे छोटे पीस करके मसाला लगा के रखा है, अब इसको मैं फ्राई करूँगा। प्याज पकाएंगे और फिर मसाला बनाएंगे और फिर राइस के साथ खाएंगे इसको। तो अभी हम खा रहे हैं फिश और राइस, ठीक ही बनाए, बहुत अच्छा तो नहीं बनाए और बढ़िया है। टेस्ट तो अपना एक यूनिक सा तो है यहाँ सांगला के ट्राउट का, क्योंकि मैंने इससे पहले ब्रोट में खाया था, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। बस वही डिनर करेंगे और फिर व्लॉग ख़त्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। गड्डी नहीं रुकवाई जा रही आपसे एक मेरे को मार के क्या होगा भाई तो आपको एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, यूनिक इन द सेंस कि बालू शहद के लिए कितना मरता है। बहुत खूबसूरत है यार, लोग बिजाई कर रहे हैं अब यहाँ पे।